और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने आज झारखंड मंत्रालय में नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे से मुलाकात की। सरयू राय ने इस दौरान नगर विकास विभाग के सचिव से मोहरदा जलापूर्ति योजना से गंदा पानी की आपूर्ति पर सवाल उठाया। वहीं सरयू राय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी सवाल उठाया है। वहीं जमशेदपुर में 86 बस्ती को मालिकाना हक देने के मामले में भी सरयू राय ने एक बार फिर राजस्व विभाग का दरवाजा खटखटाने की बात कही। हमारे यहाँ मोहरदा जलापूर्ति योजना है, जिसको एक एग्रीमेंट के तहत सरकार की ओर से जो उसको चला रहा है, उसमें कई समस्याएं हैं। पानी जहाँ से आता है, सप्लाई होता है, सोर्स पर पानी बिल्कुल साफ रहता है, घरों में आते आते वो पानी गंदा हो। मैंने कहा कि जब जिसको पानी दे रहा है तो जिसको ही अपना बिजली वहाँ दे, उसी से चलाए। तीसरा था कि सीवरेज ड्रेनेज की समस्याएं हैं, बड़े बड़े नाले बहते हैं और नालों के पानी को साफ करने का कोई इंतजाम नहीं है। पूरा सभी नाले, आधा दर्जन से अधिक नाले हैं जो नहर के आकार के हैं, बड़े बड़े, और सीधे नदी में गिरते हैं। जमशेदपुर नगर निगम बने, जमशेदपुर टाउन इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने, इसके बारे लंबा विवाद शुरू से आते जा रहा है। उसका समाधान हम लोगों को जल्दी कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष वही होगा जिसके पास पर्यावरण के विषय में विशेष योग्यता हो, जानकारी हो। इस बात को मैंने 2018 में भी उठाया था, लोगों ने कहा था कि हम लोग बहाल करेंगे एडवर्टीजमेंट निकालकर, वो हुआ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में भी लिखा है कि अगर सरकारें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति में इन निर्देशों को नहीं मानती है तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन वो हाईकोर्ट का दरवाजा। 86 बस्ती का मामला राजस्व विभाग का मामला है, और उस समय सोन साहब ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के पास इसका प्रस्ताव बढ़ाऊंगा, क्योंकि वही राजस्व मंत्री की तरफ से अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है। तो मैंने उसके बाद पूछा नहीं है कि उन्होंने प्रस्ताव क्या बढ़ाया है, और उनका कहना है कि सरकार निर्णय करके इसको दे सकती है। और उनके बातचीत से मुझे जो अंदाज़ा लगा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई काम किया।